नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। खबर आजमगढ़ के निजामाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर निजामाबाद तहसील के सामने नंदनगर बाजार से रात 3 से 4 बजे के करीब अज्ञात चोरों द्वारा 5 लाख की चोरी की गई है। भोलेनाथ सिंह पुत्र मिल्लू सिंह निवासी मोइया थाना निजामाबाद की यूनियन बैंक की फ्रेंचाइजी और एटीएम लगाकर ग्राहक सेवा केंद्र है, जिसके पास से कैश काउंटर में 5 लाख रुपए नगद रख कर वह दुकान बंद कर अपने घर चला गया था। सुबह लोगों द्वारा जानकारी हुई कि ताला टूटा है, तो उन्होंने आकर दुकान के अंदर गए तो वहां देखा कि रुपए गायब थे, लॉक टूटा हुआ था। एटीएम मशीन को तोड़ने का भी प्रयास किया गया था। सीसीटीवी कैमरा का मुंह ऊपर किया गया था। कैमरा चालू करने पर दो चोर मुंह बांध कर अंदर तोड़फोड़ कर रहे थे। समय सुबह लगभग 3:45 का सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव मय फोर्स लेकर पहुंचे और घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दिया, तो घटना स्थल पर SOG टीम फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। हाँ, नाम बाबू भोलानाथ सिंह, कहाँ खड़े हो बाबू? तहसील निजामाबाद, यहाँ पे यूनियन बैंक की शाखा चलती है। यूनियन बैंक कहाँ पे है आपका? तहसील निजामाबाद नंदनगर। क्या हुआ है? चोरी हो गई है, लगभग 5-6 लाख की चोरी हुई है। कैसे हुई? ताला तोड़ दिए थे रात में। आपको जानकारी कब हुई भैया? 5 बजे। 5 बजे तो आपने इसकी सूचना थाने को दिया है? जी, इसकी सूचना। तो आपने 5 लाख में कहा है, कैसे रखा था? हाँ, जी कैश था मेरे पास 5 लाख काउंटर में। अच्छा, काउंटर में।